देखें भी तो क्या देखें तुम्हारे सिवा। मैं ये गाना जरूर गाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि ये एक ऐसा नज़ारा है जिसको अपनी नज़र हटाना मीन्स बहुत मुश्किल है। कुछ एक लोग तो हमारी जो चेयर्स हैं उनके आगे भी बैठे हुए हैं, वो कुछ भी मिस नहीं करना चाहते। वो एक बार फिर से बता दूं मैं आपको कि ये जो शो है वो 1.5 घंटे का शो है, जिसमें 4 कंट्रियां पार्टिसिपेट कर रही हैं, US, जापान, चाइना और पोलैंड, अमेरिका और हर किसी कंट्री का टाइम अराउंड 15 to 20 minutes। 15 minutes क्रैकर्स कंटिन्यू चलेंगे, थोड़ी सी भी ब्रेक नहीं होगी। और जब ये 15 minutes ओवर हो जाएंगे तो उसके बाद जस्ट एक ब्रेक आएगी अराउंड 2 to 3 minutes। आपको मैं देखिए आप एक मैं थोड़ा सा नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। ऐसा लग रहा है कि ये स्मोक के बादल ऐसे लग रहे हैं, पॉल्यूशन मैं बोल सकता हूँ यस पॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जब ये नज़ारा लोगों की खुशियों में बदलेगा तो ये पॉल्यूशन के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया जाएगा। बहुत ही उम्दा नज़ारा ये, मुझे ये नहीं पता कि आप म्यूज़िक सुन पा रहे हैं या नहीं, लेकिन ये जो क्रैकर जो है पूरे इस म्यूज़िक के साथ में ऐसे हो रहे हैं। ये वाला जो क्रैकर शो है, जैसे जैसे म्यूज़िक चलता है वैसे वैसे क्रैकर चल रहे हैं, तो लोग डेफिनेटली एंजॉय करेंगे, मज़ा करेंगे इस शो का। अभी थोड़ा सा बोर होने लगे, क्योंकि आप ये एक ऐसी चीज है जिसको आप कंटिन्यू नहीं देख सकते। देखिए ऐसे लग रहा है मानो आकाश गंगा जो है जमीन पे समुद्र के साथ मिलने को आ रही है। शायद एक और कंट्री का शो खत्म होने को है अभी, बस मैं यही कामना करूँगा कि मेरे सेल की बैटरी उतनी चले कि मैं ये पूरे नज़ारे आपके लिए रिकॉर्ड कर सकूँ और आप लोग इसका लुत्फ उठा सकें। कुछ एक नज़ारे अपने आशीष त्रिवेदी जी भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, और मैं उनको बाद में बोलूँगा कि हाँ सर प्लीज़ ये शेयर कीजिए हमारे साथ में। लेकिन सर बहुत ही फोकस, बहुत ही दृढ़ संकल्प के साथ आए हुए हैं कि रिकॉर्डिंग के अलावा वो कुछ नहीं करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि उनकी रिकॉर्डिंग इतनी अच्छी हो कि हम लोग उनसे शेयर करके अपनी कमेंट्री डाल के लोगों को प्रस्तुत कर सकें। मैं आज जरूर विशेषज्ञ अपने ब्रिजेश जी को मिस कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए ऐसे लग रहा है मानो जो तारे हैं वो एक दूसरे से पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं कि एक दूसरे के हाथ में नहीं आना है। के जी काफ़ी लगन से हमारे शब्दों को सुन रहे हैं। तो लेकिन आपका वीडियो चाहिए।
बिल्कुल के जी, आपको वीडियो ये बिल्कुल शेयर होगा, बिल्कुल शेयर होगा के जी आपके साथ में वीडियो। हमारे जॉय जी बहुत फोकस दृढ़ संकल्प के साथ एक टक लगाए हुए पटाखों को देख रहे हैं, लाइटों को देख रहे हैं। उनका ये उनका ये कहना है कि गैलेक्सी S2 का भरपूर प्रयोग हो रहा है। सर से रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी कमेंट्री भी कर दीजिए सर, ताकि इसमें पता लगे कि ये जो शो है वो कारगर हो रहा है साउथ कोरिया के सेकंड लार्जेस्ट सिटी में। बहुत ही उम्दा नजारा, पानी में देखा नहीं तो थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा पानी में भी। आप नज़ारे थोड़े देखिए जैसे कैसे जा रहे हैं, ऐसे रोल होके पटाखे, मानो मानो डॉल्फिन फिश जो हैं वो उड़ उड़ के पानी में जंप कर रही हैं। मैं यही चाहूँगा कि बैटरी मेरी गैलेक्सी S2 की कंटिन्यू सस्टेन कर सके, ताकि मैं 1 से 2 घंटे जो भी ये जिस हफ्ते तक भी ये शो चले मैं उनको रिकॉर्ड कर सकूँ। जहाँ तक मेरा ख्याल है ये कंट्री के एंड शो का वो है, तो बहुत ही बढ़िया नज़ारा, बहुत ही उम्दा नज़ारा। मैं एक बार फिर से आज तक और NDTV का कॉमन संवाददाता अंकुर वशिष्ठ भूसान सिटी कोरिया की सेकंड लार्जेस्ट सिटी में आपका भूसान फेस्टिवल में आपका स्वागत करता हूँ। ये फायर क्रैकर शो जो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे तक चलता है, ये जो शो है अराउंड 21 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक चलेगा, और टुडे इज़ द सेकंड डे एंड फॉर सेकंड डे दे हैव अ क्रैकर शो फॉर 4 countries। I repeat, this is the second day of the show, of the function, and in which the 4 countries will show their firecracker show. और शो जो है वो US का है, पोलैंड का है, चाइना का और जापान का। देखिए क्या नज़ारे हैं, क्या नज़ारे हैं, ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा। वाह, ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि किस कंट्री का शो सबसे बढ़िया रहा। सिंपली सुपर। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे लाखों लोग जो हैं यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और इन लाखों लोगों में हम लोग लकी हैं कि हमें ऑलमोस्ट फ्रंट की सीट मिली है। और मैं यहीं जो अपना वीडियो शूटिंग ख़त्म करूँगा, क्योंकि एक कंट्री का शो ख़त्म हो गया है। तो अलविदा दोस्तों, थैंक यू, माय वाइफ इज़ हियर अलॉन्ग विद माय वाइफ, आई एम हियर।